आज हम डिस्कस करेंगे बिटसेट के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है ऑफ जेई। बाकी सारे जो जेई के ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें यूजली इतना अच्छा क्वालिटी का कॉलेज नहीं मिल पाता है, लेकिन ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसमें मे बी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तो नहीं, लेकिन कई सारी IITs और आई वुड से ऑल NITs के लेवल का एक कॉलेज आपको मिल सकता है, विच इज़ द बिट्स पिलानी, राइट। शुरू करने से पहले मेरे जेई के फ्री नोट्स नीचे आपको लिंक्ड मिल जाएंगे, जो आपको बिट्स के लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगे, बिटसेट के लिए, तो उनको डेफिनेटली चेक करना। फ्री कॉन्टेंट है, यू शुड डेफिनेटली टेक इट। मोस्ट लाइकली वो बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा इन योर रिविजन एंड स्टडीज इन जनरल, राइट। तो बिटसेट में देखो, जो जेई का जो सिलेबस है, जेई मेन का जो लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे लेवल रहता है। आई थिंक आई स्कोर्ड 450 का पेपर था हमारा, उसमें मेरे से मेरे 434 शायद आए थे जहाँ तक मुझे याद है, राइट। तो इसमें जो जेई मेन का जो लेवल होता है उससे थोड़े से नीचे लेवल के आते हैं साइंस और मैथ्स, तो वो तो आप कर लोगे अगर आपकी जेई प्रिपरेशन अच्छी है। तो आई वुड से द फर्स्ट टिप इज़ कि जेई की प्रिपरेशन आपकी अच्छी रखो, तो आपको बिटसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। लेकिन उसमें दिक्कत आई थिंक आती है जो सेकंड एक और उसमें पोर्शन रहता है, जो थोड़ा आई थिंक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का था, एटलीस्ट मेरे टाइम पे। तो उस पार्ट में यदि आपकी लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश वगैरह अच्छी है, आपको आता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अगर आप एक CBSE स्कूल से हो, इंग्लिश आपका मीडियम है और इंग्लिश इन जनरल आपकी ठीक है, तो आपको कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल ग्रामर और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जो आप कर लोगे, राइट। थोड़ा सा पास्ट ईयर पेपर देख के चले जाओ पिछले 5 साल के, उससे एक थोड़ी प्रैक्टिस आपको ओवरऑल मिल जाएगी। अदरवाइज कोई एज सच अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो मेरे हिसाब से बिटसेट के लिए एफर्ट अलग से डालना इंग्लिश के लिए डजेंट मेक सेंस, आप जेई के लिए एफर्ट डालें। लेकिन यदि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, आपको ठीक ठाक आते हैं, तो आप देने चले जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन एग्जाम देना जरूर, जेई के खिलाफ एक अच्छा इंश्योरेंस है इन केस आपका जेई अच्छा नहीं जाता है। थोड़ा महंगा कॉलेज है, बट ठीक है, आई थिंक यू कैन मैनेज इट इफ यू आर, अगर मैनेज कर सकते हो यू शुड डेफिनेटली गिव दैट एग्जाम। तो दो कंडीशन है, पहला आपके पास अगर फीस की अफोर्डेबिलिटी है, दूसरा कि आप अगर इंग्लिश आपकी ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल से हैं, तो ये डेफिनेटली एग्जाम देना चाहिए। जेई से आसान ही पड़ेगा, और जो भी जेई के टॉपर्स वगैरह होते हैं यूजली IIT NIT में चले जाते हैं, तो बिट्स में कहीं ना कहीं एंट्रेंस ईजी भी है, स्पेशली अगर आपके पास पैसे हैं, क्योंकि कहीं सारे टैलेंटेड स्टूडेंट बिट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आपके पास पैसे हैं डेफिनेटली एग्जाम दो, ईजी एग्जाम है और आराम से निकलेगा, ठीक है। सो या और हेल्प चाहिए, नीचे मेरे नोट्स लिंक्ड है, और आपको यदि जेई की प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है तो आप नीचे मेरे कोर्सेज भी देख सकते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, बिटसेट डेफिनेटली दीजिए, अच्छा एग्जाम है, जेई की प्रेप प्लस अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश एंड पास्ट ईयर पेपर्स, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, अदरवाइज कोई अलग से प्रिपरेशन मत करना। गुड लक।